देहरादून से बड़ी खबर है, जहां हरक सिंह रावत और हरीश रावत में जुबानी जंग अब तेज हो गई है। हरीश के बयान पर हरक ने पलटवार किया है। हरीश रावत को उन्होंने कलयुग का राम बता डाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जुबानी जंग यहां हरक हरीश के बीच नजर आ रही है। हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत कलयुग के राम है। तो हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस के दो दिग्गजों में जुबानी जंग तेज नजर आ रही है। हरक सिंह रावत और हरीश रावत लगातार एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। हरीश रावत के बयान के बाद हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को कलयुग का राम बता दिया है। दोनों की तरफ से ही इच्छा जाहिर की जा रही थी कि हरिद्वार से लोकसभा चुनाव वो लड़े, लेकिन इन दोनों ही दिग्गजों के बीच अब जुबानी जंग एक सीट को लेकर देखिए तेज हो गई है। महत्वाकांक्षाएं अपनी एक तरफ और जुबानी जंग एक तरफ। हरक सिंह रावत और हरीश रावत लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। सूबे में दो कांग्रेस दिग्गजों के बीच जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। बात कर रहे हैं हरक रावत और हरीश रावत की। अब हरक सिंह ने हरीश रावत के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें हरीश रावत ने कहा था, भरत ने कभी भी राम की सरकार को गिराने के लिए प्लॉटिंग नहीं की थी। सरकार गिराने का काम मैंने बताया था, मैंने ये सारी अब छोड़ भरत को मजबूर कर दिया ना राम ने। वो सतयुगी राम था, मेरा बड़ा भाई कलयुगी राम है, उसने मजबूर कर दिया। अब एपिसोड भी तो बदल गया ना। उदाहरण जरूर सतयुग का दिया मैंने, लेकिन वो राम भी तो सतयुग का राम था और ये राम भी कलयुग का राम है। ये भरत भी कलयुग का भरत, वो भरत सतयुग का भरत था, ये कलयुग का भरत है। अब सुनाते हैं हरीश रावत का वो बयान, जिसके जरिए हरीश रावत ने हरक सिंह रावत पर तंज कसा था। ये बहुत अच्छी बात है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा है कि भरत ने कभी राम की सरकार को गिराने के लिए प्लॉटिंग नहीं की, तो राम बेचारे भी बड़े दुखी होंगे और भरत की आत्मा भी दुखी होगी। और यदि ऐसे ही भरत होंगे तो फिर रामायण से जो है राम और भरत का पूरा चैप्टर ही गायब हो जाएगा। उधर कांग्रेस के दो नेताओं के बीच जारी सियासी बयानबाजी से बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूरे मस्ते पर सियासी चुटकी लेते नजर आए। देखिए, हरीश रावत और हरक सिंह जी के बारे में आज की तारीख में कुछ भी कहना, मैं कहता हूँ कि एक प्रकार से दोनों के द्वंद बढ़ाना होगा आज, क्योंकि सबकी दृष्टि एक ही लोकसभा पर है। नहीं नहीं, वो नाम है ना भरत है, वो तो एक प्रकार का मैं कह सकता हूँ कि कभी तो वो राम के साथ साथ देने वाले सुग्रीव बन जाते हैं, फिर कई बार वो बाली की भूमिका में आते हैं। तो क्या है कि अंततः का तो राम राम है और मुझे नहीं लगता कि हरीश रावत हरक सिंह कभी राम लक्ष्मण बन पाएंगे। दरअसल दोनों नेताओं के बीच हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ने को लेकर ही सियासी जंग जारी है। ऐसे में लड़ाई में फायदा किसी को भी हो, लेकिन कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस के दो दिग्गज नेता हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच चल रही जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि दोनों नेता ये दावा जरूर कर रहे हैं कि वो पार्टी को मजबूत बनाने और 2024 में पांचों लोकसभा सीट आने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर जुबानी जंग का हमला चल रहा है, तो उससे साफ लगता है कि दोनों के बीच अभी ये जंग थमने का नाम नहीं लेगी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड।